नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टॉक विथ शुभम यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी केवल 10वीं पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइवेट या सरकारी नौकरी नहीं है और आप सभी का सपना है साल 2021 में इंडियन आर्मी को ज्वाइन करके भारत देश की सेवा करने का, भारतीय थल सेना के अंदर एक अच्छी सी पोस्ट पर डिफेंस गवर्नमेंट जॉब पाने का, तो आप सभी के लिए फाइनली इंडियन आर्मी की तरफ से साल 2021 के स्टार्टिंग की बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी की तरफ से जारी किए गए नए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए कम से कम 25 से 30 तरह की पोस्टों पर अलग अलग नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जहां पर केवल और केवल कक्षा 10वीं पास वाले महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि भारत के सभी राज्यों से बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। आवेदन आपको ऑफलाइन करना होगा और ऑफलाइन आपको आवेदन पत्र डाउनलोड करना होगा। आगे इस वीडियो में हम लोग इस वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देखेंगे, ताकि आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे और आप लोग ऑफलाइन आवेदन कर सकें। चलिए हम लोग ऑफलाइन आवेदन करने का आवेदन पत्र और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोग यहां पे देख पाएंगे मेरा नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है और यहां पे साफ साफ बोला गया है कि यहां पे रिक्रूटमेंट आ चुकी है। अगर आप लोग नीचे आते हैं तो यहां पे आपको ट्रेड, नंबर ऑफ वैकेंसी, कैटेगरी, पे लेवल यानी सैलरी, एज में कितनी छूट मिलेगी और क्वालिफिकेशन के अंदर आपको हमेशा मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं पास देखने को मिलेगा। बहुत ही बड़ा यहां पे नोटिफिकेशन आ चुका है 13 पेजों का और नीचे आने पर आपको आवेदन करने का ऑफलाइन आवेदन पत्र भी। दोस्तों, अब हम लोग नोटिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहां पे बोला गया है कि आपको जो नोटिफिकेशन जारी किया जाए उसके अंदर 45 दिन के अंदर आपको जो है तो इस फॉर्म को भर के सेंड करना होगा। जैसे कि यहां पे देख पाएंगे आप लोग कैडेट और डेली की पोस्टें हैं, जहां पर टोटल नंबर वैकेंसी 13 है। 18,000 रुपये से लेकर 56,900 का पेमेंट है और 18 से लेकर 27 साल की उम्र है और यहां पे एज में छूट है। मैट्रिकुलेशन यानी केवल और केवल कक्षा 10वीं पास यहां पे मांगा गया है। सेम इसी तरह आप लोग यहां पे देख पाएंगे नंबर 2 पोस्टें हैं ग्राउंड्समैन की, उसके बाद 3rd नंबर है बार्बर यानी कि नाई की, इसके बाद यहां पे कारपेंटर की और सिनेमा प्रोजेक्शन, और यहां पे आपको सिविल मोटर ड्राइवर की मिल जाएगी, और इसके बाद यहां पे कुक यानी कि खाना बनाने वाले की, साइकिल रिपेयरर की पोस्ट है यहां पे आपको, यहां पे EBR और यहां पे ग्रूम और लेबोरेटरी अटेंडेंट की पोस्टें मिल जाएंगी। साथ ही साथ यहां पे लाइब्रेरी अटेंडेंट और यहां पे आपको मसालची की पोस्टें मिल जाएंगी। MTS चौकीदार की पोस्टें हैं, MTS के अंदर गार्डनर की पोस्टें हैं, MTS के अंदर सफाई वाला, MTS के अंदर मैसेंजर, और इसके बाद यहां पे आपका फोटो स्टेट ऑपरेटर, उसके बाद यहां पे सेनेटरी ओवरसीज, और यहां पे आपको स्टोरमैन सुपरवाइजर, और यहां पे आपको टेलर, और फाइनली आपको 23 नंबर यहां पे वाशर की पोस्ट मिल जाएगी। इसके साथ यहां पे आप लोग सैलरी कैटेगरी वाइज टोटल नंबर वैकेंसी उम्र देख सकते हैं 18 से लेकर 25 साल, रिलैक्सेशन के साथ 35 साल, और मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास यहां पे मांगा गया है। इसके बाद यहां पे एक बार और आखिरी में इसको कहां से डाउनलोड करना है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए एक बार एप्लीकेशन फॉर्मेट को चेकआउट कर लेते हैं। यहां पे कई सारी चीज़ें बताएगी जिसके बारे में आगे हम बात करेंगे। सिलेक्शन आपका जो है तो यहां पे रिटन एग्जामिनेशन और ट्रेड टेस्ट के आधार पर होने वाला है। देन इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आपका जो रिटर्न एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ का पूरा शेड्यूल है। यहाँ पे बोला गया जनरल, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस यहाँ पे क्वेश्चन होंगे, उसके बाद यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, सारा का सारा यहाँ पे 10th लेवल का होने वाला है। और जो आपका पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो यहाँ पे हिंदी मीडियम वालों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर वो लोग स्टडी करते हैं। तो ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे का टाइम रहेगा और अलग अलग यहाँ पे क्वेश्चन पेपर के अलग अलग नंबर यहाँ पे दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपका सिलेबस डिटेल में क्या रहेगा। तो आप लोग जनरल इंटेलिजेंस के अंदर, जनरल अवेयरनेस के अंदर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर सारी की सारी जानकारी यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में। तो एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, केवल एक ही पोस्ट को, और रेफरेंस न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे डालना है और डेट मेंशन करनी है जिस दिन आप लोग इसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पेस्ट ए रिसेंट पासपोर्ट साइज सिग्नलाइज्ड फोटोग्राफ, यानी कि यहाँ पे आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज यहाँ पे फोटोग्राफ अटैच करनी है, जहाँ पे आपका सिग्नेचर भी होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे अपना फुल नेम इन ब्लॉक लेटर्स में जो कि आपके SSC यानी कि 10th की मार्कशीट में उसको फिल करना है। उसके बाद फादर या हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे अपनी डालनी है, और इस डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप लोग कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो गए आज की डेट से लेकर। इसके बाद यहाँ पे राइट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, किस कैटेगरी से है, नेशनलिटी के अंदर आप लोग इंडियन फिल करेंगे, रिलीजन के अंदर हिंदू जो भी हैं, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है तो एड्रेस एंड पिन कोड यहाँ पे फिल करना होगा, प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस यहाँ पे डालना होगा जहाँ पे अभी आप लोग रह रहे हैं, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट और पुलिस स्टेशन। इसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे आपको जो है तो विलेज, मोहल्ला, हाउस नंबर जो भी है, पोस्ट ऑफिस, तहसील, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड और स्टेट, ये सारा का सारा कंपलसरी है। इसके बाद आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालना है, 10th कहाँ से पास की है, पासिंग ईयर। इसके बाद यहाँ पे
नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे किस ऑर्गेनाइजेशन से कितने नंबर कितने परसेंट बने, इसके हिसाब से कितने डिवीजन और रिमार्क। इसके बाद यहाँ पे और भी काफ़ी सारी जानकारी है। उसके बाद यहाँ पे फिर से एक बार जो है तो अपना जो है तो लेफ्ट थंब का इंप्रेशन यहाँ पे अटैच करना है मेल कैंडिडेट। और इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि राइट थंब इंप्रेशन इन केस ऑफ फीमेल, यानी कि अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपको राइट यहाँ पे थंब डालना है, और मेल है तो यहाँ पे आपको जो है तो लेफ्ट का डालना है। इसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि टू सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ और अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, और यहाँ पे अपना नेम फिल कर देना है। काफ़ी सारी यहाँ पे जानकारी और भी आपको देना है जो कि आगे हम बात करेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। दोस्तों, इंडियन आर्मी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है ऑफलाइन आवेदन करने का आवेदन पत्र, सारी की सारी जानकारी मैंने आप सभी को दिखा दिया है। यहाँ पर महिला और पुरुष दोनों एलिजिबल होंगे। ऑल इंडिया की जॉब यानी कि भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद ऐसा मौका शायद आपको ना मिले, 23 तरह की टोटल नंबर वैकेंसी, तो 23 तरह की टोटल आपको पोस्टें, ऐसा मौका बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। जहाँ पर रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, 4 तरह के पेपर होंगे, 200 नंबर दिए जाएंगे, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी, काफ़ी ज़्यादा पोस्टें और काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आ चुका है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फ्री में फॉर्म अप्लाई करना है तो ज़रूर अप्लाई करें। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अभी लाइक कर दें ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे, और आगे आने वाली वीडियोस के अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिए। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। दोस्तों, आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी जानकारी देखने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहां पे आने के बाद आपको नीचे आना देख पाएंगे इंडियन आर्मी OTA रिक्रूटमेंट है 2021 के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप लोग sp.gyan.com पे भी जा सकते हैं। देन इसके बाद बात करेंगे यहाँ पे टोटल नंबर वैकेंसी कितनी है, वेरियस पोस्टें रहेंगी। पोस्ट नेम की बात करें तो कैडेट ऑर्डरली, और आप लोग यहाँ पे 23 पोस्टें आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। कुक, साइकिल रिपेयर, EVR, ग्रूम, यहाँ पे लाइब्रेरी अटेंडेंट, मसालची, MTS के अंदर चौकीदार, गार्डनर, सफाई वाला और मैसेंजर की पोस्टें हैं। देन इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी यहाँ पे पोस्टें मिलेंगी। स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 19 दिसंबर 2020 से लेकर यहाँ पे 1 फरवरी 2021 होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 32 साल का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर पाएगा। अप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए बिल्कुल फ्री, SC ST PHF किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट का कोई भी अप्लीकेशन शुल्क यहाँ पे नहीं लगेगा। टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टुडे की बात करें तो क्लिक हियर पे क्लिक करके आप लोग जिस किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल होंगे अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है, वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य से आप लोग आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद नीचे आ जाएंगे सैलरी के बारे में बात करें, 25,500 से 81,100 रुपये पर मंथ का आपको दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास होना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन पे चलेंगे, 1 फरवरी 2021 तक आपको अप्लाई कर देना है। इसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो रिटर्न एग्जामिनेशन और ट्रेड टेस्ट के थ्रू आप सभी का सिलेक्शन होने वाला है। इंपोर्टेंट लिंक की बात करें तो sp.gyan.com की वेबसाइट पर जा सकते हैं, अप्लाई ऑफलाइन का लिंक है। डाउनलोड फॉर नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे आपके सामने डाउनलोड की बटन आएगी, और डाउनलोड की बटन पे क्लिक करते ही आपका नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा जो कि 19 दिसंबर 2020 के दिन जारी किया गया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इसको डाउनलोड करें और अच्छे से स्टार्ट से लेकर आखिरी तक पूरी की पूरी जानकारी को रीड करें। जहां भी समझ में ना आए तो कमेंट करें, साथ ही साथ आपको फॉर्म दिया गया आप लोग अप्लाई करें। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर इसको पूरी तरीके से अप्लाई करिएगा और अच्छे से सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी गई फिल करिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी